हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर। यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं सुपर स्पॉट पार्क सेंचुरियन के पिच रिपोर्ट के बारे में। आपको पता है कि यहाँ पे जो है इंडिया और साउथ अफ्रीका का पहला टेस्ट होने वाला है, तो हम लोग इसके बारे में जो है डिटेल्स में देखेंगे किस तरह से जो यहाँ पर मैचेस हो सकता है, क्या क्या जो है वो डिस्कशन यहाँ पर होने वाला है। तो सारी चीज़ें आपको वीडियो के लास्ट तक मिल जाएगा। तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, और साथ में बेल बटन क्लिक कर लेना ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट और नोटिफिकेशन जो है आप मिस ना करो। सबसे पहले बात करते हैं, तो अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है डिटेल्स है, ये व्हाट्सअप का नंबर है, और साथ में आप कॉल पर सर्च करके टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ से आपको जो है बीबीएल से रिलेटेड और जो भी इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं उससे रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर दिया जाता है, और यहाँ से आप जुड़ सकते हो और इन सबका जो है बेनिफिट उठा सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं, तो अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो ये जो है अगर सुपर पावर सेंचुरिया की बात करते हैं तो कैपेसिटी आप देखोगे तो ये जो है 22,000 के आसपास यहाँ की कैपेसिटी देखने को मिलती है। और साउथ अफ्रीका में जो है अभी कोरोना का जो है बहुत ही खतरनाक जो है ओमिक्रॉन वाला वेरिएंट जो है वो चल रहा है, तो चांसेस कम है कि क्राउड जो है अवेलेबल होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि MSL जो होने वाला था, रणजी प्रीमियर लीग होने वाला था, वो कोरोना के चलते जो है वो जो कॉल ऑफ कर दिया गया है, यानी कि इस साल जो है रणजी नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इसको जो है सुपर स्पोर्ट सेंचुरियन के नाम से जाना जाता है, या सेंचुरियन पार्क के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। लोकेशन ये सेंचुरियन साउथ अफ्रीका में आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे फ्लड लाइट्स का, तो वो अवेलेबल है। अब हम पिच रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ये जो है एक बैटिंग ग्राउंड पिच जो है वो देखने को मिलता है, लेकिन इस पिच की खास बात ये होती है कि यहाँ पे फ्लैट एरिया तो मिलता है, रन भी काफ़ी अच्छे खासे बनते हैं, लेकिन यहाँ पे हालत जो है वो तुरंत ही ख़राब हो जाता है, चाहे वो बैट्समैन हो बॉलर हो। लेकिन फ्लैट पिच की वजह से जब छोटा मैच होता है, यानी कि T20 फॉर्मेट होता है, ODI फॉर्मेट होता है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो है रन बनते हुए नजर आता है। लेकिन जब यहाँ पे टेस्ट मैचेज होता है तो शुरुआत के जो इनिंग होते हैं उनमें अच्छे रन बनते हैं, ऐसा नहीं कि रन नहीं बनता है, शुरुआत की इनिंग में बहुत अच्छा रन बनता है, लेकिन उसके बाद से जैसे 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 जो है इनिंग होते जाता है, यानी कि फर्स्ट इनिंग देख लो, सेकेंड इनिंग देख लो, एक अच्छा खासा स्कोर देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा रन देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे ही थर्ड इनिंग तक आता है, फोर्थ इनिंग तक आता है, तो वो हालत न केवल सेंचुरियन की बल्कि हर ग्राउंड की हो जाती है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे बैटिंग करना मुश्किल होता जाता है, और ये सिचुएशन आपको सेंचुरियन में भी जो है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे अगर हाइएस्ट स्कोर देखोगे तो ऐसा नहीं कि कोई कम है, यहाँ पे हाइएस्ट स्कोर जो है वो 621 जो है वो साउथ अफ्रीका ने बनाया था, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे साउथ अफ्रीका में, तो साउथ अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतना केवल इंडिया के लिए नहीं बल्कि सारी टीमों के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क रहा है। बहुत सालों बाद जो है पिछले 1-2 साल बाद जो पहले ही आप देखोगे कि श्रीलंका ने जो यहाँ पर टेस्ट मैच जीता था और एक सीरीज जो है वो जीता था, वो भी बहुत सालों बाद जो है श्रीलंका ने यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो जीता था, नहीं तो एक तरह से जो है अनडिफेटेबल जो है वो माना जाता है साउथ अफ्रीका को। इस तरह का जो है ग्राउंड आपको साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा, जहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराना खासकर टेस्ट मैचेज में बहुत ज़्यादा जो है मुश्किल काम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे जैसे पिच ये फेवर जो है ओल्ड होता जाता है, मैंने बता दिया कि ये बॉलिंग को जो है वो ज़्यादा फेवर करते जाता है, और साथ में यहाँ पे जो बॉलर्स होते हैं, एक तो फ्लैट पिच रहता है, लेकिन जब फ्लैट पिच क्रैक करता है ना, यानी कि जैसे जैसे 1-2-3 दिन के जब मैचेज हो जाते हैं तो क्रैक करने लगता है, और जब क्रैक करता है तो वहाँ पे जो सीम बॉलर होते हैं जो हल्का सा स्पीड वेरिएशन करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा जो है मज़ेदार हो जाता है, और खासकर स्पिनर के लिए जो भी होता है, जो कि थोड़ा सा चाहे वो लेग स्पिन हो या ऑफ स्पिन हो, दोनों के लिए जो मददगार साबित हो जाता है ऐसे पिच। तो ऐसे पिच में आप देखोगे स्पिनर का जो जलवा है वो आपको थर्ड फोर्थ डे से जो है देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले जो है स्विंग बॉलर को जो है वो थोड़ा सा खतरनाक हो सकते हैं, लेकिन पिटाई जो है वो शुरुआत के 2-3 दिनों में बहुत ज़्यादा होने वाली है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको देखने को मिलेगा कि जहाँ पे जिस डेट को जो है मैचेस होने वाले हैं 26 तारीख से, तो उसमें आप देखोगे 26 तारीख से जो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बारिश की भी संभावनाएं हैं, तो अगर बारिश होता है तो नमी रहेगा, और नमी रहेगा तो बॉलरों को ज़्यादा जो है वो बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बॉल जो है स्विंग होता हुआ ज़्यादा नजर आएगा। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है अगर टीम बनाते भी हो तो। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे अभी तक का रिकॉर्ड देखोगे तो, अगर ODI की बात करते हैं तो ODI में देखोगे 54 मैचों में से जो है यहाँ पे 23 फर्स्ट बैच जीता है, 31 सेकंड बैच जीता है, और फर्स्ट बैट एवरेज देख लोगे 250 के आसपास है, जो कि बहुत ही अच्छा जो है एवरेज देखने को मिलेगा, जो कि मैं आपसे कह रहा था कि एक बैटिंग ग्राउंड पिच है। और इसके अलावा हम टेस्ट मैचेज की बात करते हैं तो 26 मैचेज यहाँ पे हुआ है, जिनमें से 11 फर्स्ट बैच जीता है, 11 सेकंड बैच जीता है, और 4 मैचेज यहाँ पे जो है वो ड्रॉ हुआ है। और इसका रीज़न भी होता है कि कम मैचेज ड्रॉ होने का रीज़न होता है कि यहाँ पे एक तो बैटिंग ग्राउंड पिच है तो बहुत जल्दी जो है रन बनता है, या फिर जो है मैच जो है बिल्कुल एक तरफा हो जाता है, बाद में यहाँ बैटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
फर्स्ट बैट सेकंड बैट एवरेज आप देखोगे तो 325 के आसपास, जो कि एक अच्छा खासा स्कोर है। और जैसे जैसे थर्ड फोर्थ इनिंग स्टार्ट होता है और एवरेज स्कोर जो है गिरना शुरू हो जाता है, तो इस तरह का जो है ग्राउंड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि एक अनसर्टेनिटी जो है वो तीसरे चौथे दिन के बाद जो है स्टार्ट होगा। लेकिन शुरुआत के कुछ दिन जो रहेंगे, अगर बारिश वरिश नहीं होता है तो यहाँ पे पिटाई जो है बहुत ज़्यादा होने वाली है बॉलरों की, और खास में रन भी जो है बहुत ज़्यादा जो है वो बन सकता है, क्योंकि इस ग्राउंड पे बिल्कुल ही फ्लैट पिच जो है शुरुआत में मिलता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे T20 में ODI में बहुत ज़्यादा रन जो है आपको बनते हुए नज़र आता है। और टेस्ट मैच में भी जो है शुरुआत के दिन में, अगर शुरुआत में कुछ ओवर कि मैचेज जो सुबह सुबह स्टार्ट होता है, तो कुछ ओवर जो है 10 से 10 ओवर 15 ओवर जो है रुक जाता है, बॉल थोड़ा सा पुराना हो जाता है, तो सीधा बैट पाना शुरू हो जाता है, और उसके बाद फटाक फटाक जो है वो लगाते जाओ बाउंड्री, कोई दिक्कत नहीं होता शुरुआत के 1-2 दिनों तक। लेकिन उसके बाद से जैसे 2-3 तीसरा दिन आता है, तो धीरे धीरे जो है पिच क्रैक करना शुरू कर देता है, और उसके बाद जो है वो स्लो होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का जो है हमेशा ध्यान रखना। और अभी तक आप मुझसे नहीं जुड़े हो तो ये जो है व्हाट्सअप का नंबर है, आप यहाँ पर जुड़ सकते हो। साथ में आप कॉल पर मुझे सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़ सकते हो, और ये चीज़ें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जो है आप मुझसे जुड़ सकते हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले वीडियो का अपडेट आप बिल्कुल भी मिस ना करो।